हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स। तो उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। और पिछले वीडियोस के हिसाब से जो कमेंट्स आ रहे थे उसमें लिखा था कि सर सीयूटी यूजी का तो आपने सब बता दिया, लेकिन सीयूटी पीजी जो है, जो एमएससी और एमए एमकॉम एमबीए या फिर एमटेक प्रोग्राम्स, जो भी पीजी प्रोग्राम्स जितने भी इंडिया में चल रहे हैं अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में या फिर वो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, उनका क्या सर? तो देखिए उनकी भी नोटिफिकेशन तो देखिए काफ़ी पहले का आ रखा है, लेकिन इस पर हम प्रोसेस जो फिलअप करने का है वो प्रोसेस आपको बता देंगे। और इसे थोड़ा सा नोटिफिकेशन पर नज़र डालते हैं। तो नोटिफिकेशन देखिए यहाँ पे सबसे पहले इनवाइटिंग, तो 20 मार्च को नोटिफिकेशन आया था, और जो एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट डेट थी वो 20 मार्च ही थी। 20 मार्च से 19, ध्यान रखिए 19 अप्रैल तक है, तो कोई जल्दी नहीं है, मतलब कोई डेट नहीं गई है, आराम से आप 19 मार्च तक अभी 19 अप्रैल तक सॉरी भर दीजिए। और 5 बजे तक ध्यान रखिए, 12 बजे तक टाइम नहीं है, तो 19 अप्रैल तक फॉर्म भर दीजिए। और सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन 19 ही है डेट, 11:50 तक, तो आप मैं चाहूँगा कहूँगा कि आप जल्दी पेमेंट कर दें और अभी आप कर सकते हैं। और इसकी जो करेक्शन डेट है वो 20 से 23 अप्रैल को बाद में आ जाएगी, 19 तक है तो 20 से 23 तक 4 दिन का करेक्शन विंडो रहेगा। अच्छा, एडमिट कार्ड डाउनलोड लेट बताया जाएगा, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन लेट होगी, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये भी बाद में बताई जाएगी वेबसाइट पे। वेबसाइट देखिए दे रखी है CUET NT वेबसाइट, इस पर हम जाते हैं। यहाँ पे सबसे वेबसाइट पे जाने के बाद हमें मिलता है क्या कि रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG अगर हम वेक्टर साइट पे रिडायरेक्ट कर देता है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट हम नहीं है, हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे। देखिए डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दे रखा है पूरा का पूरा, और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड होता तब तक हम ये देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी की यहाँ पे फीस है 1000 रुपीज़, जनरल EWS या फिर OBC नॉन क्रीमिलियर में अगर आप आते हैं तो 800 रुपये है। एग्जामिनेशन फीस आउटसाइड इंडिया अगर है तो 5000 है, लेकिन इंडिया के हैं तो ये वाली है 2000। आउटसाइड इंडिया में आपके कोई भी कैटेगरी 5000 ही है। OBC NCL और जनरल EWS की 800 रुपये, 750 रुपये SC ST या फिर थर्ड जेंडर के लिए 750 ओनली, और डिसेबिलिटीज पर्सन PWD कैंडिडेट के लिए 700 रुपीज़ जनरल के लिए। आउट एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे इन इंडिया, ये देखो ये अलग, ये देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन इन इंडिया नीचे क्या लिखा हुआ है। अच्छा पीजी प्रोग्राम्स, ओके कंट अप्लाई 3 टेस्ट पेपर, ओके अगर 3 टेस्ट पेपर है एप्लीकेशन फीस ये ऊपर वाली लगेगी, 3 टेस्ट पेपर है, ओके अगर मोर देन 3 टेस्ट पेपर है तो द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस एंट्रेंस टेस्ट भी जो है सब्सिक्वेंट ईच सब्सिक्वेंट टेस्ट पेपर लिखा हुआ है, 3 पेपर के बाद ये चार्ज होंगे, मतलब 3 पेपर तक आपकी 1000 रुपये। मान लो जनरल का कैंडिडेट है, उसने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 पेपर सेलेक्ट किए तो उसके 1000 रुपये फीस लगी, पर मान लो उसने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और साथ में CS भी सिलेक्ट कर लिया तो उस CS का उसने सेलेक्ट किया है वो 500 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब एक सब्जेक्ट का 500 रुपये, एक सब्जेक्ट का OBC के लिए 400 रुपये से पर सब्जेक्ट के ये रुपये लिखे हुए हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है, एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएंगे, पासवर्ड क्रिएट करना है, आपको मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और ईमेल से, ठीक है। यहाँ पे फोटोग्राफ की साइज जो है वो स्कैन JPG फॉर्मेट में, और स्कैन फोटोग्राफ है 10 से 200 KB के बीच में, क्लियरली लेजिबल मतलब विजिबल होनी चाहिए, और 4 KB से 30 KB के बीच में स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। और बाकी इसके बाद में पासवर्ड आपको क्रिएट करने का तरीका दे रखा है, तो जैसे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखिए डाउनलोड हो चुका है ये, तो पूरा आप पढ़ लीजिएगा, इसके लिंक हम नीचे दे देंगे। और अब हम देखते हैं क्लिक हियर टू प्रोसीड, ये देखिए जैसे हम क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आते हैं तो यहाँ पे सब पहले सबसे पहले हमको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, ये रजिस्ट्रेशन करने का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसमें पूरे सब कुछ डिटेल्स भरनी है हमको, 10th की 12th की अपनी BSc ग्रेजुएशन की, और ये फीस पेमेंट है, फीस पेमेंट आपको लास्ट में कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये था पूरा CUET का जो PG का सर्कुलर आया है उसके बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसको जो फिलअप कर रहा है वो कैसे प्रोसेस है एक डेमो फॉर्म के हिसाब से। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बताइए कमेंट करें कि और आपको क्या क्या वीडियो चाहिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए सारे CUET दोस्तों के साथ, और आप 12th पास हुए हैं तो CUET UG का हमने वीडियो बना रखा है वो आप देख लीजिए, और BSc या फिर BA BCOM जो भी आप मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई आपकी तो LLB वगैरह कुछ भी, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आप PG करना चाहते हैं तो आप चैनल पर जुड़े रहिए, और हम आपको बेस्ट कॉलेजेस, बेस्ट एंट्रेंस एग्जाम्स ये सब बताते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।